नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्वोत्तर के तीन राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में, जिसके नतीजे आज 3 मार्च 2018 को दोपहर 12 बजे तक आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील वाड़ोकर और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर के तीन राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आया है। त्रिपुरा में तो बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। त्रिपुरा में वामपंथ का 25 साल पुराना गढ़ ढहाने में बीजेपी सफल रही। नागालैंड इस राज्य में भी गठबंधन की लहर दिखाई दे रही है। मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की गई धुआंधार रैलियों ने यहाँ का भी चित्र बदल के रख दिया है। यहाँ बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ गया है और मेघालय में अभी तक आए रुझानों में गठबंधन की सरकार की उम्मीद दिख रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य की, जिसमें 60 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी सरकार को यहाँ बहुमत के लिए 31 सीटें प्राप्त करना जरूरी है। इस चुनाव नतीजे में CPM और गठबंधन को 16 सीटें मिली, जबकि बीजेपी गठबंधन यहाँ 43 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा। बीजेपी ने यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल की इस राज्य में। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस एक भी सीट हासिल करने में कामयाब नहीं रहा और अन्य को भी 0 सीट मिली। त्रिपुरा में 25 साल बाद लेफ्ट के किले को ढहाते हुए बीजेपी ने पहली बार सत्ता हासिल कर ली है। बांग्ला भाषी लोगों की बहुलता वाले इस राज्य में 1993 के बाद से ही CPM की सत्ता थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद उनके हाथों से यह किला भी छिन चुका है। अब तक के रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी ने 43 सीटें हासिल की है और इसी के साथ बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी। यहाँ पे काबिले तारीफ है अमित शाह की रणनीति, जिन्होंने खुद के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की रैलियों से इस राज्य का चित्र इलेक्शन में बदल दिया और 25 साल बाद बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। अब हम बात करेंगे नागालैंड इस राज्य की। इस राज्य में कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 31 सीटें बहुमत के लिए जरूरी है और यहाँ पे बीजेपी और सहयोगी पार्टी ने 27 सीटें जीती है, जबकि इन्हीं के बराबर NPF इस पार्टी ने 27 सीटें जीती है और अन्य के खातों में 4 सीटें गई है। इस राज्य से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, उनके खातों में कुछ नहीं आया है। इस चुनाव के नतीजों के मुताबिक यहाँ बीजेपी और गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ गया है। विधानसभा की 60 में से 60 सीटों के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियों ने यहाँ पे काफी असर दिखाया है। इसके बाद हम बात करेंगे मेघालय इस राज्य की। कुल 60 सीटें हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी जीत के लिए, बहुमत के लिए 31 सीटों की ज़रूरत है। यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से काफ़ी अच्छा रहा और कुल 21 सीटें उनके खाते में गई, लेकिन बीजेपी और अन्य दल जो है वो यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनाने की स्थिति में है। यहाँ आए नतीजों में कांग्रेस को 31, UDP को 6, बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली है, NPP को 19 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें गई है। इस राज्य में त्रिशंकु परिस्थिति है और कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन और MNP ये अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मेघालय में किसी भी दल को बहुमत मिलना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में अभी से ही वहाँ सियासी उठापटक का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और MNP के नेताओं ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार था इन चुनावों के नतीजों का विश्लेषण।
शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।